नमस्कार, भारत टीवी के साथ आप जुड़े हैं। देव मेरा नाम है। ये वही प्याज है जिस पर सियासत होती है। जब आप इसको खरीदने जाते हो तो आपको महंगे रेट आपको देने पड़ते हैं, लेकिन इसको उगाने वाले किसान को कितना रेट मिल रहा है ये आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम मेवात के किसानों के पास हैं, जंगलों में मौजूद हैं और यहाँ पर फसल को इकट्ठा किया जा रहा है, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भेजा जा रहा है। हमारे साथ कुछ माताएं बहनें भी हैं जो काफ़ी समय से खेतों में जुटी हुई, जिनसे सीधे सीधे बात कर लेते हैं। जी, नाम क्या है आपका? शकुंतला जी। शकुंतला जी, कब से खेत में आई हुई है? जी, सुबह 7 बजे। अच्छा, रोटी और खाना वाना कहाँ से आता है फिर? खाना वाना कह रहे थे, कोई बच्चा ले आता पीछे थे। अच्छा, रेट वगैरह इसका कैसा मिल रहा है? कुछ बचत वगैरह हो रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा जी, 1000 रुपया में जा रही है। अच्छा, 1000 रुपए मन के हिसाब से जा रही है? मन के हिसाब से जा रही है। अच्छा, रेट जिस रेट में आपने बीज लगाया था, अभी मैं सुनने में आया था, पीछे बताया गया था मुझे कि रेट भी वापस नहीं आ रहे जी। बीज भी नहीं बच रहा हमें, तो हमारी मजदूरी भी नहीं बच रही इसमें। ये तस्वीर है, हमारे साथ कुछ और साथी हैं नौजवान, जिनसे हम बात कर लेते हैं। भाई सामने आ जाइए, आप भी थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये तस्वीर है, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, देखिए प्याज है हाथ में और ये आज़ादपुर मंडी ले जाने की तैयारी है शायद। जी, नाम क्या है आपका? महावीर। महावीर, खेत में आप काम कर रहे हैं, क्या रेट जा रहा है प्याज का, किस रेट में आपको बेचनी पड़ रही है? ये हमको 1100-1200 रुपये मन बेचनी पड़ रही है। क्विंटल का बताइए? समथिंग 2300-2400-2500 तक। किस रेट में लगाई थी आपने? 4000 रुपये क्विंटल का। खेती में ही काम करते हैं आप? जी। और इसके अलावा पढ़ाई वगैरह की है कुछ? कर रखी है। क्या कर रखा है? जेबीटी की। कोई नौकरी नहीं है? क्या बोलेंगे सरकार से? यही बोलूंगा कि जो आपने ये बिल दे रखे हैं किसानों को, जी प्लीज इनको वापस ले लें। चेक, ये प्याज आपको इतनी सस्ती देनी पड़ रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका भी यही है कि सरकार ही जिम्मेवार है। फिर यही प्याज हमको थोड़े दिन के बाद महंगी क्यों मिलने लगती है? क्योंकि इसको स्टॉकों में भरपूर मात्रा में पूरा किया जाता है, फिर इसको हम ही लोगों को पूरी तरह से महंगा दिया जाता है। आपसे क्या कहूँ मैं, सारी बात आपके सामने है। ये खेत से मेहनत किसान की जा रही है, 4000 रुपये क्विंटल का बीज लगा, अब उसी किसान के साथ खिलवाड़ होता है। यही प्याज आपको 60-70 रुपये दी जाएगी, लेकिन जनाब कुछ दिन के इंतज़ार के बाद जो बिचौलिए हैं वो स्टॉकों में प्याज भरेंगे और आपको ही महंगा बेचेंगे। तो सरकार के सामने चुनौती है, सरकार की जिम्मेदारी है। किसान की सिर्फ बातें होती हैं कि जय जवान जय किसान, सच्चाई तो ये है। 2020 चल रहा है, इस वक्त देश का किसान परेशान है, क्या उसको हक मिलेगा? इस प्याज पर भी सियासत होती है। ये प्याज जिस रेट खरीदी जा रही है वो निश्चित ही किसान के साथ एक धोखा है। फिर हम आपको लगातार मेवात के किसानों के मुद्दे दिखा रहे हैं, आपकी क्या राय है हमको जरूर बताइए। लेकिन किसान बोल चुके हैं बिचौलियों का बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि उनसे सस्ती प्याज खरीदी जाती है और स्टॉकों में भरी जाती है।